लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। आरा नगर निगम की महापौर इंदु देवी ने एक वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। एक साल बेमिसाल पर केक काट कर मिठाइयां भी बांटी और कार्यों को गिनाते हुए आगे भी विकास करने की बात कही। शशि भूषण सिंह की रिपोर्ट। पूरा होने पर आज निगम में वार्ड पार्षदों और साथ में केक काट कर आज कार्यक्रम किया गया। पहले उसके बारे में कुछ बताइए और पूरे एक साल के कार्यकाल में कैसा रहा आपने? आज हमारे महापौर का पद संभालने में एक साल पूरे हो गए और ये बिहार सरकार के द्वारा ये पहली बार जनता के द्वारा महापौर और उप महापौर का चुनाव किया गया, जिसमें हमें बहुत बड़ी जीत हासिल जिसमें हमने बहुत बड़ी जीत हासिल किया। और ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, ये आरा शहर की पूरी जनता की जीत है। और मैं सभी जनता को मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने मुझे चुना और यहाँ और आरा नगर निगम का महापौर बनाए। एक साल का सफर कैसा रहा, कितने कार्य किया, क्या 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 कुछ उसके बारे में? खास कार्य जो किया, एक साल का जो सफर रहा, हमारे शहर के विकास में बहुत सारी चुनौतियाँ आई और जिसको मैंने अपने जनता के आशीर्वाद और प्यार के द्वारा उस चुनौतियों को आगे बढ़ती गई और उनके और अपने संकल्पों को मैंने पूरा किया। इसमें बहुत सारे संकल्प ऐसे हैं जो हमने उसे पूरा किया। आरा नगर निगम के द्वारा 2023 और 24 वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों की निम्नलिखित सूची है। आरा नगर निगम क्षेत्र में वृहद स्तर पर सभी आउट होल नाला को उड़ाई की गई, जिससे हमारे शहर में जल जमाव की कमी नहीं दिखाई दी। आरा नगर निगम क्षेत्र में कुआं का विसंधिकरण किया गया। आरा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में छठ घाटों एवं सामुदायिक भवनों का निर्माण प्रक्रिया जारी की गई है। आरा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कच्चे मकान का आवास योजना के तहत पक्कीकरण का कार्य किया गया, जिस पर 150 परिवारों को लाभ मिला। आरा नगर निगम क्षेत्र में वर्षों से टूटे फूटे जंजर पड़े हुए सड़कों का निर्माण किया गया, जो निम्नलिखित है। धरहरा शीर्ष महल चौक होते हुए स्टेशन रोड तक सड़क का निर्माण कराया गया। पुरानी पुलिस लाइन से नगर निगम कार्यालय होते हुए अम्बेडकर चौक तक सड़क निर्माण। नवादा थाना चौक हित नारायण क्षत्रिय स्कूल होते हुए दुर्गा मंदिर तक रोड का निर्माण किया गया। नवादा स्थित गणिनाथ अस्पताल में कृषि भवन तक रोड का निर्माण। आरा नगर निगम क्षेत्र के सौंदर्यीकरण हेतु विभिन्न दीवारों पर चित्रकारी का कार्य संपन्न किया गया। आरा नगर निगम क्षेत्र में बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण हेतु भवन तथा शौचालय का निर्माण। आरा नगर निगम क्षेत्र में दूसरे शहर से आए हुए प्रवासियों को ठहरने के लिए रैन बसेरा की मरम्मति तथा भवन का निर्माण कराया गया। आरा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सौ के अंतिम संस्कार हेतु विद्युत सौदाह गृह का निर्माण की प्रक्रिया जारी है। आरा नगर निगम में बुडको के माध्यम से आउट फॉल नाला निर्माण हेतु नगर विकास विभाग से प्रयास कर लगभग 77 करोड़ रुपए का आवंटन लाई हुई हूँ, ताकि बरसात के समय में बारिश के पानी से निजात मिल सके। आरा नगर निगम क्षेत्र के मुख्य सड़कों पर शहरवासियों के लिए 24 यूरिनल का निर्माण किया गया। आरा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में टूटे फूटे नाली गली का निर्माण की प्रक्रिया बृहद स्तर पर जारी है। आरा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शहर में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण की प्रक्रिया जारी है। आरा नगर निगम अंतर्गत लोहिया मैदान आश्रय स्थल के निर्माण का कार्य किया गया। आरा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बहियारा अवस्थित डंपिंग वार्ड में कार्यालय गार्ड रूम एवं चार दीवारी का निर्माण कराया गया। आरा नगर निगम क्षेत्र में लगभग 350 CCTV कैमरा का कार्य किया गया, साथ ही बेहतर सफाई होती निरंतर मॉनिटरिंग मैं स्वयं करती हूँ। जनता के लिए प्रत्येक शुक्रवार को जनता दरबार में मैं उपस्थित हूँ तथा उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण करने का प्रयास करती हूँ। इसके साथ ही समय समय पर मैं वार्डों का निरीक्षण करती हूँ, लोगों की समस्याओं को जानती हूँ और उनका निष्पादन करती हूँ। इस एक साल के अंदर आरा नगर के विकास हेतु माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, स्थानीय सांसद माननीय श्री राजकुमार सिंह जी, स्थानीय आरा सदर विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह जी से मिलकर नगर के विकास में सहयोग का आग्रह किया है। इसके साथ ही जिला अधिकारी राजकुमार जी और पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव जी के साथ मैं समय समय पर मीटिंग में शामिल होती हूँ तथा नगर के विकास और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में चर्चा करते हैं। पुनः आप सबके साथ वादा करते हैं कि आने वाले 2024 में भी इससे भी गति का साथ नगर के विकास में आगे बढ़ूंगी।